Once again, hello and welcome to the channel, guys. Hope you are absolutely fine. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नौनाक और मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ दिखाने के लिए INS विक्रमादित्य जो कि है कारवार में कारवार पोर्ट पे है और वो एक नेवी शिप है जो कि कैरी कर सकती है अप टू 36 एयरक्राफ्ट एक बार में और हमें ये अवसर मिला है कि इस बार मैं जाके वो शिप देख सकूं और हमारे पास पास भी है सो देखेंगे आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है सो अंत तक देखना मत भूलिएगा गाइस और मैं कल रात 2:30 सुबह के 2:30 तक वीडियो एडिट कर रहा था और उठा हूँ सुबह के 6 बजे सो आप देख सकते हैं कितना एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए आई होप कि ये वीडियो निकालने के लिए मिलेगा वहाँ पे शिप पे मालूम है मुझे कि वहाँ पे वो शूट करने के लिए देंगे या नहीं फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको वो सब दिखा सकूँ सो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे कारवार में और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे हम लोग छूटे थे अराउंड 7:15 को गोवा से और अराउंड 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कारवार में अभी कज़न का वेट कर रहे हैं उसके साथ ही जाएंगे INS देखने के लिए देखेंगे कैसा होगा आज का डे आशा करता हूँ आपको मैं सब दिखा सकूँगा क्योंकि मालूम नहीं मुझे अभी फ़ोटोग्राफी भी वहाँ पे अलाउड है नहीं है कुछ फिर भी नहीं हुई तो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा सो देखते हैं कैसा होगा आज का डे चलो गाइस मिलते हैं आगे गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नेवल बेस पे नाम है INS कदम्बा करके और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं देखेंगे कब तक अंदर लेंगे और ये लगी है लाइन यहाँ पे गाड़ियों की देखते हैं कैसा होगा डे मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखेंगे सब कुछ वीडियोग्राफी करने के लिए मिलेगा तो देखेंगे अगर वीडियोग्राफी करने के लिए मिलेगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा अगर नहीं मिला तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा सो देखते हैं आगे कैसा होगा डे चलो गाइस हम लोग हैं अराउंड 12-13 लोग सो एक गाड़ी में नहीं हो रहे सो इसके लिए हम लोग अलग से बाइक लेके जा रहे हैं और इनका रूल ये है कि अंदर जाना है तो दोनों का हेलमेट चाहिए सो हम दोनों ने हेलमेट पहना है यहाँ पे सो अभी जा रहे हैं अंदर आफ्टर हाफ आवर के बाद देखेंगे आगे कैसा हेलो गाइस ये है मेरे पीछे विक्रमादित्य शिप और यहाँ पे एक्चुअली वीडियो करना मना है फिर भी थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ ये है मेरे पीछे और अंदर तो हम वीडियो नहीं कर सकते सो इसके लिए नहीं कर रहा हूँ बाकी सब एक्सपीरियंस तो बहुत ही क्लास था ऐसे दिखने रहा है दिखने में छोटा सा लग रहा है जहाज लेकिन अप टू 36 एयरक्राफ्ट यहाँ पे हो सकते हैं मतलब स्टोर कर सकते हैं और ये लिया था रसिया से 2004 में और 2008 में इसका जो इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है और ये अभी है कारवार पोर्ट में INS कदम्बा में और एक्सपीरियंस तक बहुत थ्रिलिंग था गाइस क्या बोलूँ आपको और इसमें रडार सिस्टम भी बहुत ही ख़ास है और यहाँ पे और भी शिप्स है जो कि लगी हुई है मेरे पीछे शायद आप देख सकते हो और भी है बहुत सी मेंटेनेंस के लिए आती है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा ख़ास है ये और इंडिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरिंग ये शिप है
सो गाइस ये वीडियो तो बन रहा है बहुत ही छोटा, इसके लिए वेरी 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 सॉरी। और आशा करता हूँ कि मैं अगली बार कुछ नया लेके आऊँ और ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहूँ। सो चलो गाइस इस वीडियो को करते ही यहाँ पे ही ख़त्म। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय, देव बरकत।